और दूसरे को तुम अपना दुश्मन समझते हो तो भगवान को कहाँ देखते हो, तुम तो दोस्त और दुश्मन को देखते हो, तुम्हारी नजर बहुत उथली है। कटुक वचन मत बोल रहे, घट को पट खोल रहे, तोहे पियो मिलेंगे, सबके घट में साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे, तोहे पियो मिलेंगे। प्यारे से मिलना है तो किसी से कड़वी बात मत करो, किसी को टेढ़ी नजर से मत देखो, किसी के लिए लाल आंख मत करो, किसी के दिल पर चोट पहुंचाने वाली बात अपने मुंह से मत बोलो। तुम्हारी जीभ तलवार नहीं है, चाकू नहीं है, कैसी नरम नरम भगवान ने बनाई है, चाहे जहाँ से मोड़ लो है और स्वाद ही स्वाद उसमें भरा हुआ है। तो अपने को जलन वाला नहीं बनाना चाहिए, ये भगवत के खिलाफ मन भक्ति किसकी करना, तो भक्ति सब की करना, सब में जो भगवान है उनकी करना। ये अपने जैसे गुरु के पास रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, तो यही तो सीखते हैं ना कि जो मिले उसके साथ प्रेम का बर्ताव करें। तो भगवान कहाँ है, तो भगवान सब में है, और सब में भगवान को देख करके भाव पूर्वक सबकी सेवा करना, कुछ दो, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ, अपने से ऊँचे बैठाओ, प्रेम से बोलो, मुस्करा के प्रेम भरी आँख से देखो। कभी कभी कोई देखते हैं लोग तो मालूम पड़ता है ये भस्म करना चाहते हैं, उनकी आँख में आग होती है, आँख में आग होती है, गोली में जहर होता है, आँख में आग होती है। सबसे बड़ी भक्ति यही है कि अपनी आँख को मीठी बनाओ, अपनी जबान को मीठी बनाओ, अपने व्यवहार को मीठा करो, अपने दिल को मिठास से भर लो, शहद से भर लो, यही भक्ति का मार्ग है। भगवान जब बैकुंठ से उतर के तुम्हारे लिए आएंगे तब तुम भक्ति करोगे, तो तुम्हारे जिंदगी में भक्ति आने वाली नहीं है। जब गोलोक से आएंगे तब भक्ति करोगे तो वो तुम्हारे जीवन में वो भक्ति आने वाली नहीं है। जिस रूप में भगवान तुम्हारे सामने आए हैं उस रूप में भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, और इस रूप में भगवान हजार हजार रूप में, लाख लाख रूप में भगवान प्रकट हो। बोले अब देखो एक सार सार बात बताता हूँ। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवयो विदुहु स्वयं साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। दुनिया के लोग एक फंदे से बंधे हुए हैं, एक फंदा लगा हुआ है, एक गले में फंदा है, हाथ में हथकड़ी है, पांव में देवी है, कमर में रस्सी है, सब लोग फंसे हुए हैं। ये क्या बोलते हो, न किसी के हाथ में हथकड़ी है, न पांव में देरी है, न गले में रस्सी है, न कमर में रस्सी है। बोले नहीं भाई, एक फंदा है वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता, वो तुम्हारे दिल में है। जब दुनिया में किसी एक के साथ, एक व्यक्ति के साथ या अनेक व्यक्ति के साथ तुम अपने दिल को फंसा लेते हो तो बांध देते हो। प्रसंग मजरम पासम, ये आसक्ति ही एक ऐसा पास है, ऐसा फंदा है जो कभी पुराना नहीं पड़ता, जीर्ण नहीं होता, ये अपने आप टूटने वाला नहीं है। किसी वस्तु में आसक्ति हो गई कि ये वस्तु नहीं मिलेगी तो हम सुखी नहीं होंगे। अब वस्तु बिचारी अलग पड़ी है और तुम अलग हो, लेकिन फंदा ऐसा लगा है उसके साथ बंध गए हो कि उसके बिना रह नहीं सकते। तो कई लोग वस्तु के बिना नहीं रह सकते, मार खाते हैं, अफीम के लोग होते हैं ना, अफीम के साथ ऐसा बंधते हैं महाराज। आजकल तो लोगों को मालूम नहीं होगा, बचपन में तो हमारे गांव में अफीम की खेती होती थी, हो तो जिन बुढ़े लोगों को अफीम की आदत पड़ गई थी, अगर समय पर न मिले तो वो थकपटाते थे, हाय अफीम हाय अफीम, धरती पर लोट लोट के। अच्छा जिनको चाय की आदत पड़ गई है, समय पर न मिले तो ये जो वो है ना खोपड़ी, वो थोड़ी ऊपर को उछलती है खोपड़ी जो है। क्या कहाँ चाय के साथ तुम्हारी खोपड़ी बंध गई, बंध नहीं गई, आदत पड़ गई, आसक्ति हो गई, आदत आदत
तुमने स्वयं अपने जीवन में उसको पकड़ पकड़ के बांध लिया, आदान कर लिया, इसलिए उसका नाम आदत है, आदतम। तो देखो, जैसे चाय के बिना तकलीफ होती है, अफीम के बिना तकलीफ होती है, गांजा के बिना तकलीफ होती है, और शराबी को समय पर शराब न मिले तो वो तो सुस्त पड़ जाता हो, ऐसे ही महाराज अमुक तरह का कपड़ा चाहिए, अमुक तरह का मकान चाहिए, अमुक तरह का खाना चाहिए, अमुक तरह के आदमी चाहिए, मनुष्य का मन फंस जाता है। ये ऐसा फंदा है कि ये टूटता नहीं है। तो आत्मा को बांधने वाला फंदा क्या है? ये ही संसार की वस्तुओं में आसक्ति, व्यक्तियों में आसक्ति, संसार की चीजों में और संसार के लोगों में और संसार के भावों में ये जो आसक्ति है, ये ही फंदा है। और इसी में बंद करके मनुष्य चरा रहा है। सौ सौ धक्के उसको लगते हैं, सौ सौ चोटें खानी पड़ती हैं, लेकिन जो जहाँ फंस गया है उससे दस्त मत नहीं होता है। बोले, इससे छूटने का उपाय क्या है? लोग आसक्ति का वर्णन सुन के डर जाते हैं, हाय हाय हमारी बड़ी आसक्ति। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि हीरे से हीरा कटता है, हीरे को हीरे से काटते हैं, आसक्ति से आसक्ति को काटो। कहिए क्या? संत से आसक्ति करो, सत्पुरुष से जब आसक्ति होगी तो संसार की आसक्ति कट जाएगी। सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। देखो, ये सांख्य है। सांख्य, सांख्य में आसक्ति का विधान नहीं हो सकता। कपिल जी जिसका वर्णन करें और माता देवभूति के लिए वर्णन करें और उसमें ये बात कही जाए कि सत्पुरुष से, संत से आसक्ति करो तो संसार की आसक्ति कटेगी, इसका कोई प्रसंग दुखी से या शास्त्र से या इस प्रसंग का आलोचन करने पर ये ठीक नहीं लगता है। परंतु बात यह है कि दवाई ऐसी है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, यहाँ के लोग तो बहुत सुनते होंगे, वल्लभाचार्य जी महाराज के बहुत भक्त हैं इधर, संगत तु सर्वथा त्याज्य सर्वत्यक्तुम न शक्यते सदविश्वः कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम्। देखो भाई, दुनिया में कहीं आसक्ति, मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत संसार में किसी से नहीं करना कि अपना दिल ही अपने हाथ से बाहर हो जाए, अपने काबू से बाहर हो जाए। जिसकी मुट्ठी में तुम्हारा दिल पड़ जाएगा वो निचोड़ लेगा तुमको, शोषण करेगा। लेकिन सैव साधु सुकृतः, यदि वो आसक्ति, वो मोहब्बत तुम किसी सत्पुरुष के साथ करोगे तो वही आसक्ति दवा हो जाएगी। सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वार अपावृतम। खुला मुक्ति का द्वार है, एक नरक का द्वार है और एक मुक्ति का द्वार है। ये तो आप जानते ही हैं, नरक के तीन दरवाजे हैं। गीता में कहा है ना, त्रिविधम नरक चेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे तत्त्रयम् त्यजे। भोग की वासना, धन की वासना और दुश्मन को नीचा दिखाने की वासना, ये नरक का दरवाजा है। आदमी को पता नहीं चलता हो और गड्ढे में गिर पड़ता है। कोई तुमसे दुश्मनी करे तो तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं है, वो तो दुश्मनी करने वाला खुद ही नरक की ओर सरकता जा रहा है, उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई दुश्मनी करे तो उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दुश्मनी से जितने शब्द बोलता है और वो दुश्मनी से जितनी क्रिया करता है, दुश्मनी से जितनी चोट दूसरे को वो मारता है, उतने कदम उसके नरक की ओर उठते हैं और वो नरक की ओर सरकता जा रहा है। इसलिए नरक का दरवाजा क्या? काम क्रोध और लोभ। और मुक्ति का दरवाजा क्या? बोले सत्संग। मुक्त द्वार अपावृतम, बंद नहीं है, ये खुला दरवाजा है। कभी 24 घंटे में कभी
संत का दरवाजा बंद नहीं है, खुला है सबके लिए। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। संसार के बंधन से छुड़ाने वाली ये एक ही चीज है। कितना भी दुख हो, तुम 5 मिनट के लिए सत्संग में जाके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम्हारे दोष दुर्गुण भाग जाएंगे। बचपन में हमको एक श्लोक सिखाया था हमारे पितामह ने, यदा मनुष्या प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि वदन्ति कांचित, अहो कृतघ्ना मनुजा हि लोके स्वयं कृतान्येव विनाशयन्ति। देखो बचपन का श्लोक आपको सुनाता है। जब मनुष्य गंगा स्नान करने के लिए घर से निकलता है, तब उसके पाप रोने लगते हैं, और कोई कोई पाप ऐसे बोलते हैं, अहो कृतघ्ना मनुजा हि लोके। ये मनुष्य बड़े कृतघ्न है, कृतघ्न है, बेवफा है। स्वयं कृतान्येव विनाशयन्ति, खुद तो इन्होंने पाप किया और अब खुद नाश करने के लिए जा रहे हैं। तो जब गंगा जी में आदमी, बाबा हमारे बताते थे कि जब आदमी गंगा किनारे अपना पहनने का वस्त्र रख करके गंगा जी के जल में पांव रखता है, घुस जाता है, पहले पांव नहीं रखना चाहिए हो गंगा जी में, पहले किनारे बैठ के थोड़ा जल उठा के सिर पर डालना चाहिए, थोड़ा पीना चाहिए, गंगा जी का आदर करना चाहिए, एकाएक पांव ही नहीं डाल देना चाहिए। जब गंगा जी में प्रवेश कर जाता है तो पाप उसके शरीर को छोड़कर बाहर खड़े हो जाता है। जब वो स्नान कर लेता है तो उस समय कोई गंगा जी में कोई पाप उसके अंदर नहीं रहता, जहाँ बाहर निकला महाराज, फिर जो है वो पाप सिर पर सवार हो जाता है। पाप क्या है हमको बस एक महात्मा ने ऐसा बताया, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि जब किसी को मंत्र वंत्र बताना तो उससे ये बात तुम कह देना। तो अब आप लोगों के तो क्या मंत्र आपको बताना है, आप तो सब लोग मंत्र के माहिर हैं, मेर हैं, सूर्य हैं, पर मंत्रों का मंत्र मैं बताता हूँ। जान बूझ के किसी को तकलीफ देने का ख्याल नहीं करना। जो जान बूझ करके किसी को सताना चाहता है, इससे बढ़ करके पाप दुनिया में और कोई नहीं है। 1000 पापों का एक पाप है दूसरे को सताने का संकल्प, दूसरे को दुख पहुंचाने की क्रिया सबसे बड़ा पाप है। आप लोग पाप और पाप सब बाद में पहचानना, ईसाई का पाप दूसरा है, मुसलमान का पाप दूसरा है, पारसी का पाप दूसरा है, सिख का पाप दूसरा है, जैन का पाप दूसरा है, बौद्ध का पाप दूसरा है, आपका भी कोई पाप होगा, अलग अलग पाप होंगे, लेकिन जिस पाप का मैंने वर्णन किया वो सबकी नजर में पाप है। किसी को भी सुख पहुंचाने का संकल्प, बदला लेने के लिए भी, पापी के प्रति भी, दुश्मन के प्रति भी, उसको सुख पहुंचाने का जो ख्याल है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो सत्संग करो, ये क्या है कि यही गंगा है, सत्संग की गंगा बह रही है। जब सत्संग में आते हैं सारे पाप पाप अलग हो जाए। अब मोक्ष का दरवाजा खुल गया। बोले बाबा संत कैसे होता है? देखो इसके बाद ये प्रश्न है, संत कैसे होते हैं? तो आओ संत की पहचान बताओ। आपको चारों वेदों की मंत्र संहिता बना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 10 उपनिषदें जो मुख्य है प्रसिद्ध, 10 में जानबूझ के 10 नाम ले रहा हूँ, बना गीता, ब्रह्मसूत्र और समूचा 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत। इसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि जिसका चंदन खड़ा हो सो संत और आड़ा हो सो संत, कहीं वर्णन नहीं है। बिल्कुल जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया आप ध्यान में रखना, बोला चारों वेद, 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और भागवत, कहीं नहीं लिखा है कि गेरुआ कपड़ा पहने तो संत और न पहने तो संत नहीं। देश से संत नहीं होता, जाति से भी संत नहीं होता। जिसके अंदर सद्गुण है तो संत, बिना सद्गुण के कोई संत नहीं होता, ये बात आप भूलना नहीं होता। बिना सद्गुण के कोई संत नहीं हो सकता, गेरुआ कपड़ा पहनने से संत नहीं हो सकता और आड़ा पड़ा चंदन लगाने से संत नहीं हो सकता, ज्यादा माला फेरने से संत नहीं हो सकता,
ज्यादा व्याख्यान देने से संत नहीं हो सकता। जिसके अंदर सद्गुण है उसका नाम संत है। तो कौन से सद्गुण होने चाहिए संत में? तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधव साधु भूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः। साधु किसको कहते हैं? तो तितिक्षवः सहन करे सो साधु, सहन करे सो साधु। तितिक्षवः गर्मी सहले, सर्दी सहले, निंदा सहले, निंदा सहले, गाली सहले, मार सहले, उसको बोलते हैं सहन शक्ति के बिना। सहन शक्ति के बिना कोई संत नहीं होता, सहन शक्ति चाहिए। तो एक महात्मा तो ऐसे बोलते थे कि निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, जो जो चार गाली दे दे पास रहो भाई, तुम्हारी वजह से सहने की हमारी आदत पड़ेगी, वाह वाह प्यारे हमारे। एक चपत और लगा, एक बार जरा यही बात और बोलो। परमहंस रामकृष्ण के पास एक ब्राह्मण रहता था, रसोई बनाकर उनको खिलाता था। तो जब परमहंस जी सत्संगियों के बीच में बैठते ना और सत्संग की बात करते, तो उन्हीं की तरह वो भी थोड़ी दूर पर अलग बैठता और कुछ लोगों को अपने साथ बैठाता और बोलता कि ये क्या संत है, दिन भर हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है, ये कोई संत है? अरे ये तो पागल है पागल, तुम लोग उसका दर्शन क्यों करते हो? आओ हमारा सत्संग करो। न पढ़ा न लिखा, ऐसे परमहंस जी के बारे में बोलता, न पढ़ा न लिखा, ये तो बावला है बावला, इसको तुम लोग क्यों संत समझते हो? परंतु परमहंस जी ने आजीवन उसको कुछ नहीं कहा, उलाहना नहीं दिया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुने निर्मल करे सुधाए। निंदक को अपने साथ रखो, अपने आंगन में उसके लिए कुटिया बनवा दो। क्यों? कि बिना पानी और बिना साबुन के वो साधक के मन को निर्मल करता है। जो दोष उसको नहीं दिखाई पड़ते वो दोष दिखा करके वो दूर करने का मौका देता है। तो साधु की पहचान क्या? एक बार हमने किसी संत से ये बात पूछी थी कि आखिर साधु कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने बताया था हमको कि जैसे एक साधु ऐसा है जो सारे हिंदुस्तान का नियंत्रण करता है, एक ऐसा साधु है, और एक ऐसा साधु है जो प्रांत प्रांत बांट करके रहते हैं, फिर एक साधु ऐसे हैं जो जिला जिला बांट के रहते हैं, फिर एक ऐसे हैं जो तहसील तहसील परगना परगना बांटते रहते हैं, फिर एक एक गांव में एक एक संत रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक परिवार में एक संत रहता है, हर परिवार में एक संत रहता है। यदि संत न रहे एक परिवार में तो चार आदमी एक साथ रह ही नहीं सकते। जो सबकी सह के सबके साथ समता का बर्ताव करके सबसे प्रेम करके जो सबको समेट करके रखता है उसी का नाम तो संत है, नहीं तो परिवार बिखर जाए ना, बिखर जाए। स्नेह की डोरी होती है संत के पास और वो सबकी सहता है और सबका भला करता है। अगर ये गुण नहीं है तो संत कैसा? महाराज आजकल के लोग तो कहते हैं कि संत भी जरा सुंदर होना चाहिए। हाँ, काले रंग का संत नहीं भला लगता है। एक हम आपको सच्ची बात सुनाते हैं। एक बार एक सज्जन बिपिन बाबू के यहाँ आए, तो उन्होंने बिपिन बाबू से पूछा दिल्ली के कि कोई संत अच्छे हों दिल्ली में तो सत्संग करने के लिए बताओ। तो उन्होंने सहज स्वभाव से बता दिया कि श्री कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज आजकल यहाँ आए, बड़े अच्छे संत हैं, जाओ सत्संग कर आओ। अब सचमुच श्री कृष्ण बोध आश्रम जी तो बड़े अच्छे संत हैं। अब वो गए सज्जन, गए तो जाके थोड़ी देर बैठे रहे, बैठ के चले आए। चले आए तो फिर मिले जब बिपिन बाबू को 10-5 दिन के बाद, तो बिपिन बाबू के मन में बहुत उत्सुकता थी कि नए नए सत्संग करने के लिए गए थे, पता नहीं क्या सत्संग किया होगा, महाराज से क्या पूछा होगा। तो उनसे पूछा, कहो भाई सत्संग कैसा रहा?
बोले क्या मिश्रा जी, आपने तो ऐसे आदमी के पास भेज दिया हमको कि देख के हमारी ही तबीयत बिगड़ गई। तो बोले आखिर बात क्या हुई, कह रहे उनकी तो सकल सूरत देखने लायक नहीं है। क्या भले मानस तुम सकल सूरत देखने गए थे कि सत्संग करने के लिए गए थे? सत्संग दिल में से निकलता है, सकल सूरत में से नहीं। कोई जवानी देख के सत्संग करते हैं, कोई सुंदरता देख के सत्संग करते हैं, कोई सुंदर गला देख के सत्संग करते हैं, कोई लच्छेदार बोली सुन के सत्संग करते हैं। बोले नहीं भाई, सत्संग वहाँ होता है जहाँ प्रलय को भी सहने का सामर्थ्य है। सृष्टि का प्रलय होगा, प्रलय की आप हंका रही ही चला चल विचाल नहीं ही दुखोभम नहीं की यश्यांता सब हाथ में भी कथ्य थे। महात्मा उसको कहते हैं कि प्रलय की गर्जना हो रही हो और चराचर सृष्टि विचलित हो रही हो और उसके हृदय में कोई शोभ न हो। अरे वो भगवान को देख रहा है, भगवान को। क्या भगवान की लीला है? वो तो साधु हिंसा स्वपापे न विहिंसित खला, साधु समत्रे न भयात विमुच्यते। जो दूसरे को दुख पहुंचाता है वो अपने पाप से नष्ट हो जाता है और जो साधु है वो अपनी समता से निर्भय हो जाता है। तो साधु की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो तितिक्षु होता है, तितिक्षु। और इसमें किसी का ऐसा नहीं, वो कथा आपने सुनी होगी। नाव पर जा रहे थे महात्मा, गुंडों ने कहा कि इसका सिर तो कितना है, आओ जूता मारें। तो आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी आज्ञा करो कि तो नाव उलट दे और ये सब गुंडे सूख जाए। महात्मा ने कहा कि प्रभु आप नाव मत उलटो, इनकी बुद्धि उलट दो, इनके हृदय में श्रद्धा आ जाए, भक्ति आ जाए, प्रेम आ जाए। ये इसका नाम संत का हृदय होता है। संत का हृदय वो है जो अपने लिए कितना भी दुख आवे उसको सहले, परंतु दूसरे के प्रति करुणा का भाव उसके हृदय में बना हो। कारुणिका, जिसके हृदय में करुणा हो, करुणा करुणा से प्रविष्ट हो। तुम्हारा हृदय कठोर है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण को पीने के लिए जो दूध था, दूध कोई भक्त बड़ी तपस्या करके आराधना करके दूध बना हुआ था कि जब मैं पक जाऊंगा, परिपक्व हो जाऊंगा, मीठा हो जाऊंगा, जब काढ़ी आ जाएगी, मलाई आ जाएगी, तब यशोदा मैया हमको श्री कृष्ण के मुंह में डालेंगे, खिलाएंगे। वो भगवान का भोग बनने के लिए दूध बन के आया था, परंतु जब यशोदा मैया ने देखा कि वो आग से जल रहा है तो उन्होंने श्री कृष्ण को उतार के एक और रख दिया और उस दूध को सांत्वना देने के लिए, दूध को ठंडा करने के लिए दौड़ पड़े। वैष्णव उसको कहते हैं कि एक बार दुखी प्राणी को देख करके उसके अंदर ऐसी करुणा आती है, ऐसी छटपटी आती है, वो संसार में किसी को दुखी देख नहीं सकता। एक महात्मा ब्रह्मलोक में गए, भागवत में वर्णन है। ब्रह्मलोक में जाके उन्होंने देखा वहाँ से कि संसार के प्राणी दुखी हो रहे हैं। अरे उन्होंने तो छलांग मार दी, बोले हम ब्रह्मलोक में नहीं रहेंगे, हम धरती पर जाएंगे। अरे ये क्या करते हो, ब्रह्मलोक से छलांग मार रहे हो जैसे चलते हुए हवाई जहाज से कोई कूद पड़े, बोला ये क्या करते हो? वो बोले कि ये दुनिया के जो प्राणी दुखी हो रहे हैं इनका दुख दूर हो जाए, मैं ब्रह्मलोक में नहीं रहना चाहता, मैं धरती पर रहना चाहता। रंतदेव से भगवान ने कहा वर मांग। उन्होंने कहा महाराज मैं सबके दिल में बसना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अरे बावरे, सबके हृदय में मैं बसता हूँ, अब तू क्यों बसना चाहता है? रंतदेव ने कहा कि नहीं महाराज, आपके रहने से कोई काम नहीं बनता, आप तो सबके दिल में रहते हैं पर दुख तो किसी का नहीं मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि सबके दिल में बसूं और जो सबके दिल में दुख दुख होता है वो मैं ले लूं और सुख उस आदमी को मिले, और आप महाराज जैसे देखते हो सुकुर सुकुर देखते रहो। आपके रहने से क्या फायदा है दिल में, हृदय में आपके रहने से क्या फायदा जब दुनिया के लोग दुखी हैं? तो साधु उसके कुछ तो कहते हैं जिसके हृदय में करुणा होती है। लाल कपड़े का नाम साधु नहीं,
हरे चंदन का नाम साधु नहीं और बड़े चंदन का नाम साधु नहीं, बिंदी का नाम साधु नहीं, कंठी का नाम साधु नहीं, रुद्राक्ष और माला पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। जिसके हृदय में संसार के दुखियों के प्रति करुणा है, जो सबका भला चाहता है, वो साधु है। और अपने ऊपर आए हुए सारे कष्टों को जो सह लेता है, उसको साधु बोलते हैं। जैसे छवह कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, साधु किसको कहते हैं? जो सबका सुहृद हो। आपको देखो एक बात बताता हूँ, आपका दिल बिगड़ गया तो आप बिगड़ गए, और आपका दिल ठीक बना रहा तो आप ठीक बने रहे। ये बाल संवारने से कोई ठीक नहीं बनता है। हो आंख को अगर मेकअप करके कमला आकार बना ले हो कि देखने से वो देखो दो कमल रखे हुए हैं मुंह पर, तो लोग उसको अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करेंगे। और आप अगर दो मछली बना लोगे अपनी आंखों की श्रृंगार करके, तो लोग खा जाने की कोशिश करेंगे। और खंजन बना लोगे अपनी आंख को, तो देख देख के सगुन अशगुन बनाएंगे। हमेशा दाएं रहो महाराज, दाएं मत रहो। ये आंख को खंजन बनाने से आपकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती, मछली बनाने से सुंदरता नहीं बढ़ सकती, आपको कमल बनाने से आपकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती। आप यदि अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दिल को सुंदर बनाइए। किसी भी कारण से आपके दिल की शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए। यदि आपके दिल में क्रोध की आग लगेगी तो आपका चेहरा जलेगा, मुंह काला पड़ जाएगा, हाथ पांव आपके कांपेंगे, आपका खून खौल उठेगा, जल जाएगा। आप क्रोध भी करते रहें और अपने को सुंदर भी बनाए रखें, ये नहीं हो सकता। आप क्रोध भी करें और आपका अर्थ ठीक रहे, तो ये नहीं हो सकता। एक दिन होगा ये सुहृद सर्वदेहि नाम, तुम अपने हृदय को सुंदर रखोगे तो तुम्हारी आंख सुंदर रहेगी, तुम्हारा मुंह सुंदर रहेगा, तुम्हारा शरीर सुंदर रहेगा, जीवन सुंदर रहेगा, काम सुंदर रहेगा, तुम्हारी आवाज सुंदर रहेगी और लोग तुमको सुंदर समझेंगे। और अगर तुम अपना दिल ही बिगाड़ डालोगे तो सबसे बड़ी कुरूपता हृदय का बिगड़ना है। हृदय का बिगड़ना ही सबसे बड़ी कुरूपता है। सबके लिए सुहृद रहो। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। अजात शत्रव, बोले भाई तुमको तुम्हारा कोई दुश्मन है कि नहीं? बोले है तो सही। अजात शत्रु का अर्थ देखो क्या है। अजात शत्रु का अर्थ है कि किसी ने महात्मा से पूछा कि महाराज आपका कोई दुश्मन है कि नहीं? बोले है तो सही। कि कौन है का अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अजात, अजात शत्रु, जिसका शत्रु जात नहीं है। जात नहीं है माने पैदा ही नहीं हुआ है। जिसका शत्रु कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे बाबा शत्रु मानोगे कैसे? साधु किसी को शत्रु कैसे मानेगा? बोले कि देखो कोई निंदा करे तो समझो कि ये हमसे हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है। क्यों? तो हमारे पास आने वाली भीड़ भाड़ को छांटने की कोशिश कर रहा है। जैसे किसी महात्मा के पास भीड़ होती है ना, तो रुको रुको करने वाले रोकने वाले सेवक होते हैं कि नहीं? वैसे ही स्वयं सेवक वो है जो भीड़ आने से रोकता है, तो जो भेंट पूजा देने से रोकता है, तो वो हमको त्यागी और विरक्त बना रहा है। वो तो हमारा प्रेमी है। तो भाई जो हमको तकलीफ देता है, भूखे रखता है, तो वो हमको तपस्वी बना रहा है। वो हमको तपस्वी बना रहा है, तितिक्षु बना रहा है। बस तुम्हारी बुद्धि में व्याख्या करने वाली शक्ति चाहिए। संसार की सब क्रिया की और सब परिस्थिति की अपने अनुकूल व्याख्या कर लो कि इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारी भलाई है, और देखना उसमें से ऐसी भलाई निकलेगी, उस बुराई में से ईश्वर निकल आएगा। किसी का नाम संत है, सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात सत्रव शांता भवको मत। महाराज जरा जरा सी बात में आदमी भभक उठता है। वो आदमी नहीं है, आग है, आग है, आग तो नहीं है। शांता, शांत रहो। शांति तो तुम्हारा स्वरूप है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 24 घंटे झूठ बोल सकते हैं?
अच्छा, चौबीसों घंटे काम भोग कर सकते हैं, चौबीसों घंटे आप सत्य बोल सकते हैं पर असत्य नहीं, चौबीसों घंटे ब्रह्मचर्य रह सकते, आंख लाल रख के अपनी त्रिपुटी त्योरी चढ़ा करके रखे और गाली बकता रहे, कोई माई दलाल दुनिया में हो तो और कहो हम ऐसे, आप तो सैकड़ों आदमी दिखा दें कि 24 घंटे में उनकी एक बार भी त्योरी न चढ़े, एक बार भी कड़वा न बोले, दिन रात शांति बनी रहे। सद्गुणों में स्थिरता है, दुर्गुणों में स्थिरता नहीं है, इसलिए सद्गुण से मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है, दुर्गुण से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। साधव साधु भूषण, अच्छा अब एक बात है कि साधु लोग जेवर काहे का पहनते हैं, आभूषण काहे का पहनते हैं, साधवा साधव साधु भूषण, साधव सद्गुणा भूषणानी जेसाम से साधु भूषण, साधु लोग सद्गुण का आभूषण पहनते हैं, उनकी सुंदरता सद्गुणों से है, उनकी सुंदरता दुर्गुणों से नहीं है। अब लोग एक बात संतों की और सुनाते हैं, मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्तस्वजन बांधवाः मदाश्रयाः कथा मृच्छा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च तो ये ते साधवस्साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वसते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। हेलो भाई, जो भगवान के भक्त हों तो साधु, भक्ति हृदय की वस्तु है, हो भक्ति ढोंग भतुरे में नहीं है, भक्ति दंभ नहीं है, भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति हृदय की भावना है। तो कैसी भक्ति हो, कब भक्ति दृढ़ हो और अनन्य भाव से हो, एक तो टूटे नहीं। एक सज्जन थे महाराज, उनके ऊपर सरकार एक मुकदमा चला रही थी, कलेक्टर थे उत्तर प्रदेश, तो ऐसा कुछ संजोग था कि अनुष्ठान करवाते थे अपने छूट जाने का, तो जिस अदालत में उनको सजा जहां हुई तहा आके और घर में से कहता निकालो ब्राह्मणों को, हटाओ दुर्गा पाठ, छोड़ो कलसा, सब बेकार है। फिर दूसरी अदालत में अपील गई तो बाद में फिर आया कि भाई उस बार हमने ये कलसा उलसा प्रवा दिया, कहीं देवता नाराज हो तो फिर फंस जाएंगे, तो फिर पाठ वाठ बैठाते है ना, फिर पाठ बैठाते, कलश स्थापन होता, ब्राह्मणों की पूजा होती, जीत जाते। बोले कह रहे हमने ये अक्कल लगाई, ऐसे जीत गए, इस कानून से जीत गए, इस युक्ति से जीत गए, ये सब बेकार है, दक्षिणा देने की कोई जरूरत नहीं है पंडितों, तो फिर फंस गए। तो ये महाराज, ये दुनियादार जो लोग है ना, दुनियादार लोग, ये अपना काम हो तो ऐसा देश बनाते हैं, वो हाथ जोड़े महाराज, पांव छुए, पीछे पीछे घूमे और बड़े विनयी हो जाते हैं, जहाँ इनका काम बना। भक्ति से काम नहीं बनता, भक्ति में दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता। ये जो बहुरूपिया लोग हैं ये भक्त नहीं है, भक्ति में दृढ़ता चाहिए और अनन्य भाव चाहिए। अनन्य भाव चाहिए माने वो बदलने वाला। एक सज्जन है, उनके 26 गुरु है महाराज, दत्तात्रेय से दो और आगे बढ़ गए, पर दत्तात्रेय ने गुरु थोड़े ही 24 बनाए थे, दत्तात्रेय ने तो शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे हम लोग व्यवहार में शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। अब महाराज वो बैठे ध्यान करने को, किस गुरु का ध्यान करें, बोले बोले 24-26 है, छोड़ो इनको, गुरुओं का ध्यान करने की जरूरत। फिर आया, किस मंत्र का जप करें, बोले 26 मंत्र आए सामने महाराज, बोले इसमें भी बड़ा झगड़ा है, कहता हो देवता का ध्यान करें, तो जितने गुरुओं ने देवता बताए थे, अब 20-30 देवता भी आए सामने, तो देवता भी टूटे, मंत्र भी टूटे, गुरु भी टूटे, उन्होंने अपने आप को खुद गड़बड़ झाले में डाल दिया। कि नहीं, भाव अनन्य होना चाहिए और भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, ये भक्त का लक्षण है। और भगवान के लिए दूसरे काम छोड़कर भक्ति करनी चाहिए,
दूसरे सगे संबंधियों से प्रेम हटाकर भगवान में लगाना चाहिए, ऐसे संत होते हैं। इस संत का एक लक्षण है, मदाश्रया कथा मृषाणवंती कथयंती, जो भगवान की जो कथा होती है वो निर्मल होती है, वो मृष्ट, मृष्ट माने परिमार्जित, रगड़ रगड़ के साफ की हुई। मृषा कथा का अर्थ है भगवान की कथा सुनने से मन की वासनाएं शांत होती हैं, वासनाएं बढ़ती नहीं है। आपसे तो आपके घर के लिए क्या उपयोगी मालूम पड़ता है, आपके पति की वासना बढ़ जाए और उस ज्यादा भोग राग में लग जाए, ये आपके अनुकूल पड़ता है कि उसकी वासनाएं सीमित रहे, ये अच्छा लगता है? ये स्त्रियों को विचार करना चाहिए। तो यदि पति की वासना बहुत बढ़ जाएगी तो वो मर्यादा से बाहर हो जाएगा, तुमको भी छोड़ देगा। और पति के लिए क्या अनुकूल है, पत्नी की वासना बहुत बढ़े ये अनुकूल है क्या? तो बहुत वासना बढ़ेगी तो वो पूरी नहीं होगी, वो भी उच्छृंखल हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में अपनी वासनाओं को सीमित रखने की जरूरत है। तो जब भगवान की लीला, भगवान की कथा, संतों का चरित्र जब सुनने को मिलता है, तब उससे वासनाएं जो हैं वो शांत होती हैं। और आपकी माँ की वासना भी शांत हो, बाप की वासना भी शांत हो, पत्नी की वासना भी शांत हो, पति की वासना भी शांत हो, वासना जीवन में जितना कम रहेगी उतने आप सुखी होंगे। अच्छा, क्या स्कूल में पढ़ने से आपकी वासना शांत होगी? कॉलेज में पढ़ने से होगी? सिनेमा देखने से वासना शांत होगी? क्लब में जाने से वासना शांत होगी? चौपाटी पर घूमने से आपकी वासना शांत होगी? तो भाई, वासना की शांति सत्संग में जाने से होती है। वासना को शांत करने का उपाय ही यही है। तो भगवान की मीठी मीठी परिमार्जित जो कथाएं हैं उनको सुनने से और उनके वर्णन करने से वासनाएं शांत होती हैं। तो जो लोग कथा से प्रेम रखते हैं उनका नाम संत है, उनका नाम साधु है, उनका सत्संग करना चाहिए।